So after a quick lunch break, we start for BATAL. BATAL or Chandratal, not very sure. Time 2:55. यहाँ से 30 किलोमीटर BATAL और तकरीबन 45 किलोमीटर है चंद्रताल. यहाँ एक लोसर की चेक पोस्ट जहाँ पे हमको एंट्री करनी पड़ेगी. आप कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, शुरू कहाँ से किया? दिल्ली से. मैं धर्मशाला से. एक छोटी सी फॉर्मेलिटी लोसर चेक पोस्ट में. BSNL का टावर है यहाँ पे, बट यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए फ़ोन भी चल रहा है. हाइट यहाँ की 14,000 फीट. और ये जो भाई लोग हैं हमारे साथ, HP12J7472, ये लोग भी हिमाचल के हैं. यहाँ से हम जाएंगे BATAL, लोसर लास्ट विलेज, इसके बाद नेक्स्ट BATAL. 15 अक्टूबर से जून तक ये रोड बंद रहता है, ऑफिशियली बंद रहता है. और इसके बाद यहाँ पे जितने भी मेंटेनेंस डिटैचमेंट्स हैं वो भी BRO के विड्रॉ हो जाते हैं. शरीर फुला हिल गया है इस रोड में. ऐसा रोड मैंने नहीं देखा भाई, ऐसा रोड सही में मैंने कहीं नहीं देखा, बस यहीं पे देख रहा हूँ. 30 किलोमीटर यहाँ से कुंजुम पास क्रॉस करेंगे अभी हम. और कुंजुम पास क्रॉस करने के बाद नीचे उतर के BATAL मिलेगा आपको. विश्राम गृह छोटा धारा, इसमें एक विश्राम गृह और छोटा धारा. यहाँ से 45 किलोमीटर्स ये रोड ऊपर, अब धीरे धीरे इंक्लाइन करता रहेगा और जाएगा डायरेक्टली कुंजुम ला. अब एक यहाँ पे मैं आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ नॉलेज दूंगा. ला इन चाइनीज मींस पास. तो आप खरदुंग ला, कुंजुम ला और बाराचा ला और नामिक ला, फोटू ला, दीज आर ऑल पासिस. जहाँ पे भी आपको ला वर्ड के एंड में ला सुनने को मिले तो आप समझ जाओ कि वही बहुत ऊंची जगह से आपको गुजरना पड़ेगा वहाँ से. तो ला इज़ बेसिकली अ पास. और वैसे ही चू, चू इन चाइनीज मीन्स रिवर. तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं और आपको वहाँ पे बहुत सारी चू एंड नदियों का नाम चू से एंड हो रहा होगा, वहाँ पे मिलेंगी. JNK में भी मिलेंगी कुछ ऐसी नदियाँ. अभी मुझे किसी नदी का नाम याद नहीं आ रहा है, बट चू इन चाइनीज मीन्स अ रिवर, जैसे दार चूला. तो ये चू और ला दोनों एक साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिवर और पास एक साथ हैं. और ये फाइबर केबल यहाँ पे ऑलमोस्ट बिच चुकी है, इसको अंडरग्राउंड करेंगे अभी. तो ये आगे एक मस्त मनमोहक नज़ारा इस वैली का. बहुत ही उम्दा किस्म का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा. उतरेगी हमारे बाइकर भाइयों को बैग उन्होंने छोड़ दिया पीछे, तो उनको ज़रा उठा के दे देते हैं बाइक. हमसे आगे एक डस्टर निकली है, पर हमसे आगे कैसे निकल गई वो? नहीं, तुम हमसे आगे नहीं निकल सकते, हम ही तुमसे आगे रहेंगे. क्योंकि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. भाई बैग आपका है? बहुत ही एक मनमोहक दृश्य, पहाड़ भरे में सामने कुंजुम पास आएगा. बैड रोड बैड पैच. और ये HRTC की बस जो कि मनाली से आ रही है और काजा जा रही है. और यही आई थिंक सुबह 4:30 बजे वहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से भी 4:30 बजे शुरू होती है. बहुत 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 सुंदर, अत्यंत अत्यंत आनंदमय अनुभूति का अनुभव, जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही कष्टदायक है. और हमारे पीछे हमारे बाइक, जो दोस्त हमारे अभी बने हैं रिसेंट, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता अभी, बस यही पता कि वो हिमाचल से और नालागढ़ से, वो हमारे पीछे आ रहे हैं. हम दोनों एक दूसरे को मेंटल मॉरल
इमोशनल सपोर्ट देते हुए इससे ज़्यादा तो क्या देंगे। ख़राब तो है ये रोड, और एक हमारे बाइकर भाई मस्त खड़े होके अपनी हिमालयन का प्रदर्शन कर रहे हैं, और खाली बाइक है उनकी तो इसलिए उनको कुछ ज़्यादा परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा होगा। हमारी बाइक एकदम लोडेड है, अगर मेरा वेट 90 kg है, हाँ यस ओवर वेट हूँ मैं तो अगर मेरा खुद का वेट 90 kg है तो मेरी बाइक के ऊपर कम से कम 80 kg और लदा हुआ है। पहाड़ वो पता नहीं कौन सा है बट बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ी आगे जाके रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी बिकॉज हम आज अंकल आंटी के ढाबे में रुक रहे हैं, और अंकल आंटी के ढाबे में लाइट का कोई प्रबंध नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली, और होगा भी तो जनरेटर होगा, और जनरेटर से चार्जिंग थोड़ा कष्ट है बिकॉज जनरेटर की चार्जिंग में फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती हैं, और उससे आपका जो चार्जर है उसमें डैमेज हो सकता है बिकॉज जनरेटर डजंट थ्रो कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं और फ्लक्चुएशन से आपके इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऑल्टीट्यूड चेक कैसे कर रहा हूँ। आई एम वेयरिंग अ कैसियो की वॉच, जिसका मॉडल है, क्या मॉडल है इसका यार, कैसियो प्रोट्रैक, मॉडल का मुझे नंबर याद नहीं अभी। भाई लोगों का बैग गिर गया था तो उन्होंने सिक्योर नहीं कर रखा था, इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ इन सड़कों में या फिर इस टूर में या फिर बाइक किसी भी बाइक ट्रिप में आप जाएँ तो बंजी कॉर्ड्स, बंजी नेट भी आता है, एक बंजी नेट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन एंड बंजी कॉर्ड तो एनी टाइम कुछ भी आपका सील कर सकती है सामान। जैसे कि मैंने कम से कम अपनी गाड़ी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कम तकरीबन 9 बंजी कॉर्ड्स मैंने बांध रखा अपना सामान, तो गिरने का कोई स्कोप नहीं है चाहे कितनी ख़राब रोड आ जाए। तो इट इज़ हाउ यू सिक्योर एंड हाउ यू पैक योर एंड लोड योर लगेज ऑन द बाइक। पैकिंग भी अपनी किस्म की एक कला है जिसमें निपुणता हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है भाई, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ग्लव्स मैंने चेंज कर लिए, अभी मैंने आपको बताया नहीं, मैंने सोलेस जिसकी मेरी जैकेट भी है उसके वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं मेरे पास, दीज आर गुड ग्लव्स, ग्रिप भी अच्छी है इनमें, प्रोटेक्शन भी है, और दीज आर वाटरप्रूफ आल्सो। तो मैंने खासकर इसी ट्रिप के लिए दिल्ली से लिए थे ग्लव्स, तो वो मैंने पहन रखे हैं, और ये जैकेट भी मैंने दिल्ली से ली है क्योंकि इससे पहले जब भी मैं ट्रिप मारता था मैं लेदर जैकेट में मारता था। लेदर जैकेट का दिक्कत ये था कि जब वो बारिश में भीगता था तो सूखना मुश्किल हो जाता था, और मतलब अजीब सी एक महक आती थी उसमें से, वाटरप्रूफ लेदर बहुत कम मिलता है, वो वाटरप्रूफ नहीं था। तो वो मैंने साथ ही रखी, मैंने अपनी उस जैकेट को पहन के मैं चितकुल भी गया था, अगर आपको याद हो तो चितकुल में मैंने वही राइडिंग जैकेट पहन के राइड किया था। कायदा ये है कि अगर आपको वाटर क्रॉसिंग अवॉइड करनी है, प्रिवेंट करनी है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है अपर रीचेज़ में, और वो बर्फ़ फिर पानी बन के वाटर क्रॉसिंग्स में आती है, और इसलिए जैसे जैसे धूप निकलती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे वाटर क्रॉसिंग्स का वाटर लेवल भी बढ़ता रहता है, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग आप निकलोगे तो पानी कम मिलेगा आपको। और आगे हम बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद कुंजुमला भी आ जाएगा, जिसको कुंजुम पास बोलते हैं सब, और कुंजुम देवी मंदिर भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम माथा टेकेंगे कुंजुम माता का। ये पूरा एवलांच प्रोन एरिया है, सर्दियों में काफ़ी एवलांच आते होंगे यहाँ पे, और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं सारे वो ऊपर से आ रखे हैं, एवलांच के साथ ही हो सकता है यहाँ। लंबा जाम लग चुका है यहाँ पे, नहीं आप गाड़ी यहाँ से निकाल लो ना, यहाँ से निकलेगी आपकी हल्की गाड़ी आ जाएगी है, हाँ यू कैन टेक इट फ्रॉम दिस वे ना, ओके लंबा जाम लग चुका है तो कष्ट काफी है यहाँ पे, अगर दोनों साइड से गाड़ी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए तो जाम लगने का काफ़ी खतरा है यहाँ पे। यहाँ से आ जाएगी, निकल के आपके टाइट करना पड़ेगा।
Savannah. तो हमारे एक बाइकर भाई का पीछे का सेडल स्टे ट्रक से टकरा के निकल गया, बट कुंजुम में उनके पास बैकअप सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, दो दो टेम्पो ट्रेवलर साथ चल रहे हैं उनके, तो उनको ऐसा कुछ मेजर इशू होना नहीं चाहिए, अनलाइक हमारे जैसे जो अकेले चल रहे हैं। और ये खतरनाक सेल्फ हेल्प ब्रिज बना रखा है, तो ऐसे ही बाइकिंग फ्रेटर्निटी हमारी चलती रहे और एक दूसरे से हमारा तालमेल बना रहे और एक दूसरे की मदद हम करते रहें। एकदम मनमोहक अत्यंत आनंदमय अनुभूति का अनुभव कराता हुआ ये नज़ारा। इतनी हाइट में जब आप चले आते हैं तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, मौसम कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, आधा आसमान साफ और आधा आसमान में बादल, दैट्स अ ग्लेशियर जो सामने आपको पहाड़ के बीच में दिख रहा है, और वहाँ पे आइस फॉल्स भी होंगी, बट वहाँ पे हम जाएंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास ना टाइम है ना रिसोर्सेज है वहाँ जाने के, और ना हमारा कोई प्लान है वहाँ पे जाने का। यहाँ पे ऐसा है कि अब मतलब इतनी हाइट में आते हैं बहुत ड्राइनेस होती है, तो आपके होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, और मेरे होंठ एकदम अभी जम चुके हैं, अकड़ चुके हैं, और अभी नेक्स्ट स्टेज इनके फटने की है, उसमें से फिर ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने साथ कुछ वैसलीन वगैरह या वो लाएँ, पानी सफिशेंट क्वान्टिटी में पिएँ और वैसलीन अपने लिप्स में लगाते रहें, बिकॉज लिप्स की स्किन सॉफ्ट, चेहरे की सबसे सॉफ्ट स्किन लिप्स की होती है, और लिप्स सबसे पहले लिप्स फटना शुरू करते हैं। और वो सामने रहा कुंजुम-ला, सामने मस्त एक ग्लेशियर भी दिख रहा है, कुंजुम-ला के दो दो ग्लेशियर दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेफ्ट वाला ज़्यादा बड़ा, राइट वाला ज़्यादा छोटा सा, और एक और राइट में भी एक ग्लेशियर ही है वो, तो लेफ्ट वाला जो ग्लेशियर है बहुत ही मनमोहक दृश्य उसका। ग्लेशियर इज बेसिकली रिवर ऑफ स्नो ब्लिक आइस बोल सकते हैं हम, धीरे धीरे उसमें शिफ्टिंग होती रहती है स्नो की, तो मतलब जैसी शेप अभी आप इसकी देख रहे हैं हो सकता है कि दो महीने बाद कुछ और ही शेप मिले, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ रिवर फ्लोइंग आइस। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ट्रिप था उसका फल मुझे मिल गया आज यहाँ पे आके। कुल्लू 168 किलोमीटर, मनाली 127 किलोमीटर, कुंजुम पास और कुंजुम टॉप में हम आ चुके हैं, यहाँ पे अंदर जाएंगे। बहुत मनमोहक दृश्य, वाह, अत्यंत आनंदमय अनुभूति का अनुभव, वाह मजेदार भाई मजेदार। और हमेशा जो कुंजुम-पास होते हैं इनके लेफ्ट से आप जाएं और राइट से आएं, तो वील ऑल्सो फॉलो द सेम रूट, लेफ्ट से जाएंगे और राइट से आएंगे, एक सर्कल इनका आप लें हमेशा, ये रूल ऑफ द लैंड, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। पास और उसके बाद यहाँ थोड़ा फोटो खींचे और बाकी काम उसके पास। इस वक्त हम कुंजुम टॉप में दिखा रहा हूँ मैं आपको स्कैन, बहुत ही खूबसूरत जगह सामने एक ढाबा डूबा है जो बंद है अभी, तो ये है कुंजुम माता मंदिर, इसके अंदर कुंजुम माता जय माता की। अब यहाँ से और ये तो ये था कुंजुम-ला, और इसके बाद हम चलेंगे बातल, वहाँ पे बाकी के बातल आपको अंजाम देंगे।